घर के दिन तेरे हवाले, ठीक से डाला करो ना। वो देखो वो वाला मर गया है, मेरे सामने कोई मरा हुआ पौधा ना है। हेलो हेलो, हाँ मैं है, क्या रिपोर्ट है? मैम मैं आपको क्या ही बताऊं, पूरे ऑफिस में एक हंगामा मचा हुआ है। Why? What happened? फरजाद तो ठीक है? Yes मैम, बॉस बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनकी जो नई फियांसी है ना, उन्होंने एक घंटे में पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया है। कौन? उम्मीद? जी उम्मीद पाशा। मैम सच में मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, आप ऐसा करें ना, मुझे एक ही बार में बॉस की सारी फियांसी की लिस्ट नोट करवा दे ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए, वरना इससे तो मैं पागल हो जाऊंगी। महक आर यू क्रेजी? अच्छा अच्छा मैम, आई एम सो सॉरी, मैं देखती हूँ, मैं कुछ करती हूँ। अच्छा तुम इन दोनों पे नजर रखो, मैं कुछ प्लान करती हूँ। ओके मैम। तुम ऐसा करो, बाजार में जितनी भी डीवीडीज और वीडियोस अवेलेबल है ना जिसमें सास बहू की कहानी हो, वो मेरे लिए मंगवा लो। महक अनफॉर्चुनेटली मैं कभी बहू नहीं बन सकी क्योंकि मेरी शादी से पहले ही मेरी सास का इंतकाल हो गया था। अब मुझे जबरदस्ती सास बनना है। तुम ऑफिस में स्क्रीचिंग मार रही हो, तुम्हें कोई काम नहीं है तो पहले क्यों नहीं बताया? किसी ने पूछा ही नहीं। अच्छा एक काम करो, अपने कैबिन में जाओ, मैं एक फाइल भिजवाता हूँ, उसके प्रीवियस ईयर से फैक्ट्स एंड फिगर्स मैच करो, ठीक है? बस इतना सा काम, ये तो मैं दो मिनट में कर लूंगी, इसके बाद? उसके बाद मैं एक और फाइल भिजवा देता हूँ। इतना सारा काम और आपने मेरी सैलरी का नहीं बताया। ये सारी डिस्कशंस हम लंच पे कर लें। अच्छा मुझे मीटिंग से देर हो रही है, मैं तो जा रहा हूँ। के अच्छा वो थैंक यू। किस बात के लिए? फ्लावर्स और क्यूट से नोट के लिए। वेलकम। वैसे क्या आप सब लड़कियों का वेलकम ऐसे ही करते हैं? तुम तो आज बहुत थक गई होगी ना गुड़िया? जी आगुजान। कैसा रहा पहला दिन ऑफिस में? दिन कहाँ गई, 12 बजे के बाद थी। कितने बारीक कान है भाई। सुनो पहले दिन तो तुम्हें लेट नहीं होना चाहिए था ना। जी पाशा साहब गलती हो गई, बट पक्का प्रॉमिस कल से पूरा पूरा ध्यान रखूंगी। गुड पावा, आई हैव सम गुड न्यूज। आई गॉट एडमिशन इन बीएस फाइन आर्ट्स। बीएस क्या हुआ? बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स। माशाल्लाह माशाल्लाह। उठो उठो यहाँ से, उठो आओ बेटा आओ।
माशाल्लाह माशाल्लाह। यू योर फ्रेंड यूनिवर्सिटी इंग्लिश? पाशा साहब उर्दू में बता दें। अच्छा ना, बोल रहा हूँ, तुम्हारे जो दोस्त हैं यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी समझते? जी इंग्लिश में बात। बस अब से तुमने उनसे अंग्रेजी में बात करनी है, ठीक है? समीर चल चाचू को बैठा ले। मैं तो कहती हूँ उम्मीद और फरजाद के साथ साथ ना इनकी भी शादी करवा देते हैं, पढ़ाई बाद में होती रहेगी। ये बिल्कुल ठीक बात की जिनत तुमने। हाँ लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी। क्यों, अब क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? चची मैं बता रही हूँ, पक्का ये दोबारा हमसे कुछ ना कुछ छुपा रही है। देखो इस बार तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकती। चुप करो ना यार, इसको बोलने तो दो। बेटा तुम बोलो। वो एक्चुअली मेरे आप सबको बताए बगैर मेडिकल का एंट्री टेस्ट दे दिया था और तुम फेल हो गई। होना ही था, पूरी की पूरी बाप पे गई है। बहुत अच्छी। हया मुझसे तो मशवरा कर लेती। कोई बात नहीं ना बेटा, सादे से बीए पे ब्याह कर लेना। अम्मी मैं पास हो गई हूँ। क्या, क्या? माशाल्लाह। उठ यहाँ से, उठ। वाह पार्टनर, इधर आओ इधर आओ इधर आओ माशाल्लाह इधर आओ इधर आओ माशाल्लाह माशाल्लाह। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ आज। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बच्ची। हया हया सुबह हो गई है। मम्मी सो जाओ, अभी बहुत टाइम है। देखो ना हल्की हल्की रोशनी हो रही है, उठो हया। उठ जाओ कराची वालों, सुबह हो गई है। लगता है इन सबको मालूम ही नहीं कि सुबह सुबह उठने के कितने फायदे होते हैं। फ्रेश हवा मिलती है, लगता है सुबह सुबह किसी ने टायर जला दिए। वैसे आसमान पे एक परिंदा भी नजर नहीं आ। ऐसे ही लोगों ने सुबह के बारे में ना बेकार बातें फैलाकर रखी। अल्लाह जी बस आज किसी तरह ना मैं सबसे पहले ऑफिस पहुंचकर ना उस घड़ियाल को हैरान कर दूं। उसको भी तो पता चले उम्मीद जब किसी चीज को सीरियस लेती है तो कितना सीरियस लेती है। आज से उम्मीद पाशा एक नई जिंदगी जिएगी। समीर उठो, मुझे ऑफिस छोड़ के आओ। यही उम्मीद थी, जो इंसान वक्त की कदर नहीं करता ना वो कभी कामयाब नहीं होता है। तो तुम आज सुबह उठी गई हो तो मुझे तुम सोने दो। सोते रहो तुम। आगू जान ठीक कहती है, जो सोता है ना वो खोता है और तुम खोते ही रहना। भाई ये दरवाजा खोलो। गार्ड अंकल तुमसे बात कर रही हूँ, दरवाजा खोलो। ओ, सुबह हो गई है। ठाकू कौन आ गया? ठाकू डाकू नहीं आए, मैं आई हूँ, दरवाजा खोलो। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे अंदर जाना है। आपने अंदर क्यों जाना है? क्योंकि ये मेरा ऑफिस है। लेकिन ये तो फरजाद साहब का ऑफिस है ना? और मैं फरजाद की बीवी हूँ। फरजाद साहब शादीशुदा है? लेकिन उन्होंने तो कभी नहीं बताया हमें। अरे शादीशुदा मर्द बताते कब है? वैसे आप ठीक कह रही हैं, मुझे ना पक्का उनकी शक्ल और मूड देख के लगता था वो पक्का शादीशुदा है। इसलिए तो वो मीसनी शक्ल बना कर रखते हैं सबके सामने। आप बातें कम करो और दरवाजों को। जी अभी खोलो।
अभी खोल देता हूँ। जाइए मैम। थैंक यू। जल्दी आ गई मगर करूं क्या? और ये अगर 9 बजे ऑफिस टाइम है तो क्या लाजमी है बंदा 9 बजे ही आए? बात तो तब है कि 9 बजे से पहले सब ऑफिस में मौजूद हो, मगर अल्लाह जी यहाँ तो किसी को वक्त की अहमियत का अंदाजा ही नहीं। अब सब मेरी तरह थोड़ी होते हैं जो वक्त की इतनी कदर करते हैं। अभी तक तो वो घड़ियाल भी बेखबर सो रहा होगा, हालांकि मैंने उसको मैसेज भी छोड़ा। फरजाद, बेबी तुम आज वॉक पे नहीं गए? लेट हो क्या हूँ माँ, कब से उम्मीद को कॉल कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रही। क्यों? पता नहीं उसका मैसेज आया था कि बात करना चाह रही थी, अब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। ग्रेट, वो यकीनन आराम से सो रही होगी और तुमने यहाँ उसकी वजह से अपनी मॉर्निंग वॉक मिस कर दी। माँ आपको उम्मीद से क्या इश्यूज हैं? तुम उसके इश्क में पागल हो गए हो। जस्ट लुक एट योरसेल्फ, कितना चेंज हो गए हो तुम। अगर यही हाल रहा ना तो तुम्हारा बिजनेस और करियर सब तबाह हो जाएगा उस झूठी लड़की की वजह से। माँ अब इतना भी झूठ नहीं बोलती वो, और छोटे मोटे झूठ तो कभी कभार मैं भी बोल ही लेता हूँ। आहा, माई पॉइंट एग्जैक्टली, पहले नहीं बोलते थे, ये सब उसकी कंपनी का सर है। अच्छा, अब एहतियात करूंगा, अब ऑफिस जाऊं। बाय द वे, उम्मीद ने ऑफिस जॉइन कर लिया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। लेकिन आपकी जासूस महक ने तो बता दिया ना। हाँ, लेकिन वो सारी डिटेल्स कहाँ बताती है? इन एनी केस तुम्हारे और तुम्हारे बिजनेस के लिए यही बेहतर होगा कि तुम उम्मीद को ऑफिस आने से मना कर दो। ठीक है, कर देते हैं मना, आप उम्मीद को घर ले आए। फरजाद इतनी क्या जल्दी है बेटा, इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा टाइम दो, देखो कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि नहीं, क्योंकि मुझे तो तुम दोनों के बीच में कोई कंपैटिबिलिटी नहीं नजर आती। माँ कंपैटिबिलिटी ही तो है, और बाय द वे संडे को हम पाशा हाउस जा रहे हैं मेरा रिश्ता लेने के लिए। ओके बाय।
अच्छा आगो जान, मैं दफ्तर जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है हिलाल पाशा, मगर बेटा सुनो, तुमने स्वेटर नहीं पहना? स्वेटर? आगू जान वो तो मैंने सारे फेंक दिए ना, पुराने हो गए थे, वो याद है वो ब्राउन वाला, वो इतना खराब हो गया था मैंने दे दिया किसी को। मगर इसीलिए मैं तुम्हारे लिए नया स्वेटर बना रही हूँ, तुम पहनोगी ना? आगू जान आपके स्वेटरों की वजह से सब दफ्तर में मेरा मजाक उड़ाते हैं और सब खान साहब कह के पुकारते हैं मुझे। ठीक है। अरे? जिस दिन मैं तुम्हारे अब्बा जान के पास चली जाऊंगी तब तुम लोग मेरे फन पारे याद कर कर के रोया करोगे कि कैसे हमारी आगू जान हमारे लिए स्वेटर और जुराबे बनाया करती। अरे आगू जान आप तो बात बात में जज्बाती हो जाती है। अच्छा जब रात को आऊंगा ना तो पहन के सो जाऊंगा बस। आगू जान आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? आपका हिलाल पाशा है ना, आप बनाए मैं सब कुछ मैं पहनूंगा, आप बनाए। हाँ तुम पहन लो, गर्मी दाने निकलेंगे। हया हया। जी पाशा साहब। भाई उम्मीद को उठाओ, कहीं ऑफिस के लिए देर ना हो जाए उसे। वो तो चली गई है ऑफिस। कब की? ऑफिस चलेगी सुबह सुबह। उम्मीद इतनी सुबह उठ गई? मतलब तुम कह रही हो कि वो सुबह उठ गई और ऑफिस भी चली गई? जी बाबा। है? मुझे तो लग रहा है उम्मीद ऑफिस कुछ ज्यादा ही सीरियस ले रही है। You also serious in life, okay? तो क्या मैं यूनिवर्सिटी 6 बजे चल जाऊं? ना। तुम उम्मीद की बात ही कर रहे हो ना? जी मुझे 6 बजे जगाने आई थी। पता नहीं इस बच्ची की ना हिमाकत है, मेरी तो समझ में नहीं आती। लेकिन बहू सुबह सवेरे जल्दी उठना तो अच्छी आदत है ना? आगू जान सुबह सवेरे और इतनी सुबह सवेरे, मैं उम्मीद को खुद फोन करके बताऊं। बैठो आराम से, मैं समझाता हूँ। बस बच्ची अगर कुछ जिंदगी में सीखना चाह रही है तो सीखने दो उसे। आया जाके मेरा बैग लेकर आओ। जी अच्छा। इनकलाब फ्रांस का तो सुना था, इनकलाब पाशा बरादरान लाइव देख लिया। कुछ कहा है? नहीं नहीं पाशा साहब, मैं तो बस सफाई कर रही। लेकिन मुझे कुछ कहना है पाशा साहब, आप अम्मी के साथ इस तरह बात ना किया करें प्लीज। मुझे नहीं पता आप ऐसे बात नहीं करेंगे, बनाया मैं। आया जल्दी आओ भाई। क्या हो रहा है? स्मैक आप सबके साथ खड़ी यहां पे क्या कर रही हैं? सर वो मिस उम्मीद सो रही है। जी नजर आ रहा है मुझे। बैक टू वर्क। जी thank you.
आप कब आए? मैं तब आया जब आप अपनी नींदें पूरी कर रही थी। मैं सो नहीं रही थी, मैं आपका इंतजार कर रही थी। आप लेट हो गए। मैं लेट नहीं हुआ, आप बहुत ही जल्दी आ गई हैं। हाँ तो देखा आपने, मैं अपने काम के साथ कितनी सीरियस हूँ। दो घंटे में मुझे कल वाली रिपोर्ट मेरे डेस्क पे चाहिए। ओके? दो घंटे में नहीं, मैं आपको आधे घंटे में रिपोर्ट दूंगी। देखिए मिस अमीन, आपका बैग। थैंक यू। यू आर वेलकम। हेलो असर, सुने प्लीज मेरी कॉल उठा लें, एक दफा कॉल उठा लें। मुझे आपसे बात करनी है, मुझे जानना है कि आप कहाँ पर हैं आखिर। क्या देख रही थी? मैम मैं बस ये देख रही थी कि सर को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। सब पता है मुझे तुम्हारे बारे में, और जात पर नजर है ना तुम्हारी। नो मैम, एक्चुअली ना मुझे बॉस ने ही बोला हुआ है कि हर चीज के ऊपर चेक रखा करो, और तुम फरजात को चेक करने लग गई। नो मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बॉस से पूछ के आती हूँ अभी। खबरदार, नजर नहीं आ रहा तुम्हें कि फरजात कितने बिजी है। और जो भी काम होगा ना, मैं अब आ गई, देख लूंगी। तुम अपने रूम में जाओ, और जब तक मैं आवाज ना दूं आना मत। यस मैम। चुड़ैल कहेगी फरजाद को घूरी थी। तुम्हें क्या हो गया? भूख लगी है मुझे, सुबह से मैंने चाय भी नहीं पी। हाँ तो एक घंटे तक लंच पे चलते हैं। पर ये मिस महक कहाँ पे है? इंटरकॉम भी नहीं उठा रही। भूख अभी लगी है तो फिर एक घंटे तक क्यों चलते हैं? रिलैक्स, घंटा नहीं तो आधा घंटा दे दो, मैं कुछ पेपर वर्क रैप कर लूं। ओके? और ये मिस महक मेरे ऑफिस में भेजना, तो इनका ध्यान कहाँ होता है आजकल। मिस महक, मिस महक, बाल इतने कर्ल करके यूनिवर्सिटी जा रही हो, किसी को पसंद आ गई तो? तुम इनसिक्योर हो रहे हो? नहीं, पहले बुलीद को बुकर चका हूं। वैसा कुछ भी नहीं होगा। ये जो तुमने 4-5 साल के बाद शादी का बोला है, इसमें कुछ भी हो सकता है। अब क्या होगा? I don't know. वहाँ के एक डॉक्टर पसंद आ गया तो? Don't worry. मुझे ये पागल सा मैसी बालों वाला आर्टिस्ट बहुत पसंद। चलें, अब देर हो रही है। अरे कहाँ जा रहे हो तुम दोनों हैं? अम्मी बताया तो था, यूनिवर्सिटी से कॉल आई थी, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है और बुक्स भी लेनी है।
हाँ तो अकेले मत जाओ ना, मैं हिलाल पाशा से कहती हूँ, वो साथ जाएंगे। चाची हम अकेले नहीं जा रहे, हम दोनों है ना। अरे लेकिन किसी बड़े को तो साथ जाना चाहिए ना। रुको हिलाल पाशा। चाची हिलाल पाशा इनके साथ यूनिवर्सिटी चलते हैं। क्या भाई, माना के घर में इस वक्त पढ़ने लिखने का सीजन चल रहा है, सभी पढ़ाकू बने हुए, और मुझे माफ करें, मैंने सप्लियां ले लेके बड़ी मुश्किल से पढ़ाई पूरी की है, मेरी तरफ से माजरत। पढ़ने को थोड़ी कह रही हूँ, जाने को कह रही हूँ साथ। अम्मी समीर है मेरे साथ। अरे चले तो जाओगे लेकिन ये घर पे मेरा सर खा जाएंगे, साथ लेकर जाओ। जाएं जाएं, साथ जाएं। मुझे जूते तो पहनने दो, जल्दी हिलना नहीं दोनों, जल्दी पहन के आए। मुझे भूख लग रही है, हम लंच कब करेंगे? जब काम खत्म हो जाएगा। काम कब खत्म होगा? जब मेरी मीटिंग खत्म हो जाएगी। मीटिंग कब खत्म होगी? जब तुम चुप कर रहोगी और मैं आराम से जाके काम कर लूंगा। एक तो मैं यहाँ आपसे मिलने के लिए आ गई हूँ और आपको लग रहा है कि मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। उम्मीद हम सुबह मिले हैं ना, एक ही ऑफिस में काम भी कर रहे हैं, मुलाकातें होती रहेंगी। मैं जाऊं? हाँ मगर मुझे अच्छा लगता है ना आपसे बार बार मिलना, मगर लगता है आपका नहीं करता। जा रही हूँ। मी अब देखती हूँ इन दोनों की शादी कैसे होती है। हम और प्रीत आज और इसी वक्त शादी कर रहे हैं। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है भाई, जब से ये नौकिन जैसी लड़की हमारे जीवन में आई तब से बस फसाद ही फसाद। माँ ने कभी हमें अपना बेटा तो इतना भाई समझाई ना। हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। प्रेम ये चालाक लोमड़ी जैसी लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। We'll be right back.
हमें अपने प्यार को भूलना होगा। माँ, मुझे तो लगता है इस प्रीत ने भाई के कानों और आंखों पे पर्दे डाल। बस अब हम प्रीत के खिलाफ एक और शब्द नहीं सुनेंगे। सिर्फ हमारे दिल की ही रानी नहीं बल्कि इस पूरे घर की रानी बनेगी। प्रीत, चलो प्रीत। माँ, 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 क्या हो गया? माँ, माँ आंखें खोलो। माँ प्लीज देखो, माँ को क्या होगी? भाई, ये सब कुछ आपकी इस प्रीत से शादी की जिद की वजह से हुआ। नहीं करूंगा मैं ये शादी। बस एक बार आंखें खोलो माँ।